मिखाइल ताल इस बार ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहे हैं और प्रतिद्वंदी खिलाड़ी है कुर्बान खानोव, जो कि वाइट पीसेस के साथ है। गेम खेली गई थी रीगा लातविया में, तब रीगा यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। सेमीफाइनल यूएसएसआर चैम्पियनशिप इवेंट का नाम है। शुरुआत करते हुए खानोव ने यहाँ पर e4 से, तो सिसिलियन मिखाइल ताल ने चुना है घोड़ा निकालते हुए खानोव। दोनों ही खिलाड़ी किंग्स इंडियन की तरफ जाते हुए कैसलिंग कर लिया दोनों खिलाड़ियों ने। इताल का घोड़ा पीछे गया है, यानी कि f5 के पॉन्स आगे बढ़ेंगे। b5 पर मिखाइल ताल का हाथी सक्रिय होते हुए ऊँट एक कदम पीछे क्यों गया है भला? यहाँ पर आखिर क्या दिखा है खानोव को? पॉन्स आगे बढ़ाते हुए खानोव का घोड़ा सेंटर पर, लेकिन मिखाइल ताल इसे अपने ऊँट से जवाब देते हुए, पहले घोड़ा लिया मिखाइल ताल ने, खानो अपने वजीर को लाए हैं f4 पर। शायद इस पॉन की तलाश में, d4 वाले पॉन की, लेकिन मिखाइल ताल अपने पॉन्स की जो रक्षा है उसमें पीछे नहीं हटते। पीसेस चाहे वो गंवा दे, लेकिन पॉन जल्दी से नहीं देते मिखाइल ताल। दोबारा चेष्टा करते हुए खानोव मिखाइल ताल के पॉन के पीछे पड़े तो हाथी से बचाव करते हुए e5 पर तैयारी है डबलिंग अप की खानोव की। तो मिखाइल ताल ने भी सेवेंथ रैंक पर अपनी सुरक्षा को कड़ी कर ली है, क्योंकि सेवेंथ रैंक जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वहाँ पर हाथी घुस जाए तो काफ़ी तबाही मचा सकता है। पॉन्स की लड़ाई है यहाँ पर, लेकिन खानोव अभी और भी चेष्टा करेंगे। मिखाइल ताल का वजीर यहाँ फर्स्ट रैंक पे। मिखाइल ताल ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहे हैं इस बार, कोई ना कोई सेक्रीफाइस तो वो ज़रूर देंगे। अब देखिए, मिखाइल ताल का जो राजा है वो काफ़ी उसके लिए सीमित है स्क्वायर्स। वो भागना चाहे तो e5 के पार भाग नहीं पाएगा, बस h5 और g5 तक ही रह सकता है अभी फ़िलहाल तो। और ये वजीर का आदान प्रदान होते हुए कुछ जगह बनाई मिखाइल ताल ने अपने राजा के लिए। तैयारी है इस पॉन को लेने की। सेंटर का पॉन है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉन है। एक एक प्यादे से ही तो पूरा तालाब बनता है। ये पॉन लेने के साथ साथ खानोव को आगे ना आने पाए राजा खानोव का, उसकी भी मिखाइल ताल ने बंदोबस्त की यहाँ पर। दोनों ही खिलाड़ी कट्टर की यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ। और अब सेंटर के पॉन देखिए कितने सारे हैं, तीन हैं मिखाइल ताल के पास, लेकिन खानोव के पास नहीं है। लेकिन 3 5 6 6 मिखाइल ताल के पास है, और 5 बराबरी ही है लगभग देखा जाए तो। मिखाइल ताल का ये पॉन लिया नहीं गया, क्योंकि खानोव नहीं चाहते कि मिखाइल ताल का राजा आगे आए। राजा अगर एंड गेम में आगे आने लगता है तो गेम बिखरने लगती है दूसरे प्रतिद्वंदी के लिए। यहाँ पे चेष्टा कहीं घुसने की, पता नहीं क्या करने की कोशिश में है खानोव, लेकिन मिखाइल ताल अपने पॉन्स की गति को बढ़ाते हुए। आखिर मिखाइल ताल ने यहाँ ही चला ही क्यों? चाहते तो हाथी को हटा सकते थे, उनके पास मूव्स तो थे यहाँ पर, लेकिन उन्होंने यहाँ पे पॉन का सेक्रीफाइस किया। ढकेल रहे हैं, पीछे ढकेल रहे हैं। अब राजा आगे आया है,
मिखाइल ताल का राजा आगे आया है। दो पॉन ले लिए खानोव ने देखते ही देखते, और आगे भी बढ़ा रहे हैं पॉन को। मिखाइल ताल की ये गेम निकलने वाली है ऐसा लग रहा है। और इसके बाद खानों ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि आप देखिए, आप ये एंड गेम को एनालाइज करिएगा, आकलन करने के बाद इस वीडियो को वापस रिज्यूम कीजिएगा। यहाँ पर जो है खेल सारा बन गया है पॉन्स का, तो मिखाइल ताल इस पॉन को छोड़ने वाले नहीं है। और फिर बात यहाँ तक ख़त्म भी नहीं होती। अभी पॉन को पहुँचने में देखिए कितना दूर है खानों का पॉन, और मिखाइल ताल का पॉन 2 कदम की दूरी पर है। और ऊपर से मिखाइल ताल का राजा देखिए यहाँ, एक सेकंड, मिखाइल ताल का राजा देखिए यहाँ पर, ये खानों के राजा को आगे जाने नहीं देगा, और अपने पॉन को जो कि F3 पर है उसका भी बचाव करेगा। और मिखाइल ताल यहाँ पर, मिखाइल ताल अपने हाथी से भी तो राजा पर धावा बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि कुछ ही पल में रानी मिखाइल ताल की बोर्ड में आने वाली है। खानों भाप चुके थे, और इसी कारणवश जब ये पॉन आगे बढ़ा तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया।